अब लोग पूछ रहे हैं कि जो आपने मुझे घर बनवा के दिया है इसका बजट बताइए। बजट तो भाई देखो ऐसे होता है, ये 150 गज का प्लॉट है, 155 गज का। अच्छा लग रहा है भाई, एक एक चीज यूनिक लगाई है मैंने, क्योंकि सऊदी में रहा हूँ ना, तो वहाँ की जो कुछ चीजें हैं नोटिस करो। ये देखो अभी भाई मेरे दो भाई जद्दा से आए हुए, कल आए थे मेरे ऑफिस पे रुके। हाँ जी, इसका तो अच्छा खासा बजट होगा, सामान भी अच्छा खासा लगा है। वो आप अपने बजट के अनुसार काम करा सकते हो, आप अपने बजट का अनुसार देखो। अंदाजा बताइए, इनको अंदाजा सुनना है। सलाम करो। जब पहली बार जब मैं तुमको लेके आया यहाँ पे इस जगह पे, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा था ये बताना। सब लोग पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि जो भाजन ने दिया, मतलब यकीन नहीं हो रहा लोगों को। दूसरी बात ये कि बजट यकीन नहीं हो रहा, तो आपको आना पड़ेगा यकीन करने के लिए, मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। अब लोगों का सवाल है, अब जब ब्लॉग हम बना ही रहे हैं कि जैसा ये हमने घर बनाकर दिया, सभी भाई को मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, इससे बढ़िया भी मिलेगा, इससे बढ़िया जैसा लेना चाहो ऐसा मिलेगा। यानी कोऑपरेट करने का नाम ही न्यू आलम प्रॉपर्टी। सबसे अच्छी बात मेरे को पता क्या लगती है भाई जन की, देखो प्रॉपर्टी डीलर एक डीलर होता है, यहाँ पे अपना सामान भाईजन खुद दिखाने के लिए आते हैं। आपने ऑनलाइन बुक किया था? ऑनलाइन बुक करा था, जिद्दा से करा था। अच्छा, जिद्दा से किया था आपने। तो गुड मॉर्निंग आप सबको, बहुत सारा प्यार। और आज है जुमेरात, मतलब थर्सडे, तो सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम में जस्ट 9 बज रहा है। और अपनी हालत देखो, जैसे उठ के बस मुंह धो के फ्रेश हो चुका हूँ, चाय बन चुका है। और आज का जो व्लॉग होने वाला है, वो आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, जावेद भाई हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आपके घर में कितना पैसा लगा है, क्या लगा है, नहीं लगा है, ठीक है, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है भाई, एक एक चीज़ यूनिक लगाई है मैंने, क्योंकि सऊदी में रहा हूँ ना, तो वहाँ की जो कुछ चीज़ें हैं नोटिस करो। ये देखो शीशा देख रहे हो, बहुत अच्छा अच्छा लगा है। सीलन लीलन देखो, नया घर है, सीलन आ ही रहा है, हल्का फल्का सीलन आ रहा है, क्योंकि मिट्टी वाला एरिया है ना, टाइल वाला हल्का फल्का लगाया है, बाथरूम। ऐसे तो आप हर दिन व्लॉग में देखोगे ही। तो हम आलम भाई को मैंने कॉल किया है, उनसे बात करी है, मैंने कहा थोड़ा आप खुद से इन्फॉर्मेशन दे दीजिए लोगों को कि अगर वो लेना चाहे कैसा क्या है, नहीं है, इस घर का जमीन का क्या रेट है, इस घर को बनाने में कितना क्या लगा है, नहीं लगा है, तो वो उनसे ही पूछेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने भाई मुझे किस्तों पर बना करके दिया है। और हमने 70% जमा किया है, 70%, और हम जो खा पी के बचेगा महीने का 10-20-50 जो भी बचेगा, हम उनको महीने में देते रहेंगे या 2-6 महीने में देते रहेंगे, उन्होंने बना करके दिया है। ये सारा काम मेरे अपने हिसाब से हुआ है। और बेस्ट पार्ट, आलम भाई के ऐसा मैंने कहीं कोई आदमी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें ना पूरे इंडिया में फैलनी चाहिए, कि ऐसा कोई इंसान जो किस्तों में, एक मोबाइल लेना भी बहुत मुश्किल होता है, और जो घर बनवा करके दे रहा हो, बेस्ट ऑफ लक है। आप सबको फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो घर बनवाना या जमीन लेना, या ले लो आलम भाई से, शरमाओ मत, घबराओ मत। बाकी का जो चीज पसंद नहीं आए वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। सो कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो को, और देखता हूँ मैं थोड़ा घूम घाम, कहीं काम वाम भी है तो करते हैं फटा। यहाँ देखो हमारे घर की हालत, ये कैसे बैठी हुई है इधर, और ये देखो चाय वाय बन के आ रखा है, गरम गरम चाय, इसने बिस्किट डाल दिया इस लड़के ने। ओए 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 हेलो करो, सलाम करो, सलाम सलाम करो बेटा, सलाम सलाम ओए सलाम, ऐसे ऐसे कैसे करते, सलाम सलाम कीजिए, सलाम सलाम करो, सलाम सलाम करो, सलाम 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 अंकल को, सलाम करो, सलाम करो, सलाम। ओ चलिए मिलते हैं थोड़ा देर के बाद, चाय नाश्ता करते हैं, देखते हैं अगर भाईजन ऑफिस से कुछ कस्टमर्स को लेके आएंगे तो हमारे यहाँ पक्का रुकेंगे, फिर आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बढ़िया सा कमेंट कर देना, बहुत शुक्रिया। आइए मिलते हैं आगे। जब पहली बार जब मैं तुमको लेके आया यहाँ पे इस जगह पे, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा था ये बताना। मेरा कुछ ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं था। अच्छा भाई यहाँ पे आओ, रिएक्शन नहीं था। और देखो व्लॉग बनाते बनाते भाईजन भी आ गए हैं, क्या बात है। ये हमारी भाईजन की गाड़ी, तो क्या बात है। ये ना हमेशा लेके आते रहते कस्टमर को दिखाने, भाईजन भी आते रहते हैं और सब लोग भी आते रहते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखो भाईजन, चलो भाईजन से उतर के बात करते हैं। भाई भाईजन से उतर के ही बात करने में सही है, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो ना क्या है, डबल जेड कहाँ लिया है, ज़मीन कैसे, क्या रेट है, ए टू जेड सब भाईजन से बातचीत करते हैं। हाँ भाईजन, हम तो व्लॉग बना रहे थे, मैंने कहा आप पता नहीं आपका कोई टाइम थोड़ी ना, कभी भी आप आ जाते नहीं आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? हाँ बढ़िया, आप सुनाओ। हाँ मैं थोड़ा बता रहा था कि जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था,
सात महीने के अंदर में सारा बसा हुआ, सारा बसा गया, सारा देखो भर ही गया लगभग लगभग। सब लोग रह रहे हैं, अच्छा लगेगा। हाँ चलिए, वो कहाँ कस्टमर लेके आए हैं, दिखाना है। चलिए थोड़ा 5 मिनट दे दीजिए, अब मैं पूछ लीजिए उनको, बोल दीजिए जब तक देख लेंगे घूम के। 5 मिनट बैठ लोगे? हाँ बैठ, यहाँ बैठो, अंदर बैठो। या जी आप घूम लो यहाँ पे थोड़ा। हाँ ये जद्दा साहब भाई। तो भाईजान देखो भाईजान, फाइनली घर आपने बनवा ही दिया। हाँ दुआ है बस आप लोग, है ना, कर रहे बनवा ही दिया। वो कॉलोनी भी मेरी बसाई है, तो तुम्हें पता ही है 3 महीने पहले वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। 6 महीने में पूरी कॉलोनी बसी है, कुछ नहीं था। ये सामने स्कूल है यहाँ पे। हाँ ये सामने ईडीयू स्कूल है, ये सब बन रहे हैं, आबादी है, सारी आबादी है, तुम्हारे भाई की बसाई हुई है। हाँ सब लोग ना कमेंट कर रहे हैं, हाँ मुझे तो पता ही है। सब लोग पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि जो भाजन ने दिया, मतलब यकीन नहीं हो रहा लोगों को। दूसरी बात ये कि बजट यकीन नहीं हो रहा, तो आपको आना पड़ेगा यकीन करने के लिए, मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। हाँ। आके देखो, आपको भी मिल सकता है मकान। अगर आप नहीं आ सकते तो अपने किसी फैमिली मेंबर को। हाँ जी, हाँ जी। आपको भी मिल सकता, पर वो उसके लिए आपको आना पड़ेगा, या किसी को भेजना पड़ेगा, प्लॉट देखना पड़ेगा। जब आपको कुछ समझ आएगा, वो काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है। वो देखो वो सामने ना, वो फैक्ट्री एरिया ये वाला, सारा इंडस्ट्रीज एरिया, लाखों कंपनियां, हाँ वो सारी फैक्ट्री एरिया है सारा। हमारी इस कॉलोनी में 6 महीने पहले कुछ नहीं था, आज यहाँ पे परचून की दुकान, राशन की दुकान, ब्यूटी पार्लर, जेंट्स पार्लर, हलवाई की दुकान, सब चीज हो चुकी है, सब कुछ हो गया है। मतलब यकीन इसलिए नहीं हो रहा है कि किस्तों पे तो मोबाइल वाली आदमी ले लेता है, लेकिन प्लॉट या घर बना किस्तों पे। ऊपर वाले ने तुम्हारे भाई को जरिया बनाया तो हो गया आपका, वरना कहाँ हो पाता, बस ऊपर वाले की मर्जी। भाईजान कब से बोल रहे थे व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, लेकिन मैं ही, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। अब लोगों का सवाल है, अब जब ब्लॉग हम बना ही रहे हैं, कि जैसा ये हमने घर बनाकर दिया, सभी है भाई को मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, इससे बढ़िया भी मिलेगा, इससे बढ़िया जैसा मिलेगा। लेना चाहो ऐसा मिलेगा। हाँ। बड़े बूढ़ों वाली कहावत है, जैसा गुड़ गेरोगे ऐसा मीठा मिलेगा। अब इन लोग पूछ रहे हैं कि हमने कैसी जमीन ली, कितने रुपए की रेट थी जमीन भाई की? मेरे पास अलग अलग जमीन है, यहाँ का अलग रेट है, कहीं और लोगे कहीं का अलग रेट है। मेरे पास 8,000 रुपए गज से लेके 25-30,000 रुपए गज तक है किस्तों वाली। 25,000-30,000 यानी 8,000-10,000-12,000-15,000-18,000-20,000-22,000-25,000 जैसा चाहो ऐसा मिल जाएगा। हाँ। पक्की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, बैंक से लोन भी हो जाता है, कोई कैसी दिक्कत नहीं है। देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, ये सामने स्कूल है, स्कूल भी भाईजान का बनवाया हुआ है, कस्टमर नहीं स्कूल बनवाया है, ठीक है। ये देख लो, ये अपना स्कूल चालू है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अब लोग पूछ रहे हैं कि जो आपने मुझे घर बनवा के दिया है, इसका बजट बताइए। बजट तो भाई देखो ऐसे होता है, ये 150 गज का प्लॉट है, 155 गज का। हाँ। इसका तो अच्छा खासा बजट होगा। हाँ। सामान भी अच्छा खासा लगा है। हाँ, वो आप अपने बजट के अनुसार काम करा सकते हो, आप अपने बजट का अनुसार देखो। अंदाजा बताइए इनको, अंदाजा सुनना है। ऐसा ठीक नहीं, सब भाई नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना, कुछ 50 लेगा, कोई 100 लेगा, कोई 150 लेगा, कोई 70। चलिए एक एग्जांपल हम 50 गज की बात करते हैं। 50 गज का हमारे पास जो अलग अलग कॉलोनी का रेट है, 50 गज का बना के 8 लाख का भी है, 9 लाख का भी है, 10 लाख का भी, 11 लाख का भी। खाली प्लॉट 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जैसा आप चाहो वैसे मिल जाएगा। मतलब अपने अपने ऊपर है कि आप कैसा चाहते हो, जैसा आप लेना चाहते हो। मेन बात है आपकी पसंद, आपकी मेरी पसंद। आप न्यू आलम प्रॉपर्टी चैनल है, यूट्यूब चैनल न्यू आलम प्रॉपर्टी, और फेसबुक पे भी, फेसबुक पे भी न्यू आलम प्रॉपर्टी, उस पर आप हमारी सारी वीडियो आती रहती है, उस पर देख सकते हो आप। हाँ। सारा अपना सब चीज मिल जाएगा। हाँ, नया कॉलोनी लॉन्चिंग से लेके। हाँ, सब कुछ अपना, सब चीज आती रहती है। हाँ। जो आप देखना चाहो सारी कॉलोनी हम हमारी उस पर सर्च मार सकते हो। हाँ, आप सब किसी सकते किसी यूट्यूबर की वीडियो देखो या ना देखो, इनका खुद का चैनल है भाईजान। हाँ, का। जी, हाँ, जी। ठीक है, मैंने पहले नहीं बताया, भाईजान खुद ही बता रहे हैं। न्यू आलम प्रॉपर्टी सर्च करना यूट्यूब चैनल पे, स्पीक माइक में बोलना न्यू आलम प्रॉपर्टी, अपने आप आ जाएगा ना सर्च में। हाँ जी, दुआ भैया, आप लोगों की दुआ भाई। अब ये बताइए, सारे से हम भी चल रहे बस, और कुछ। अब ये बताइए, सब लोग सऊदी दुबई कहाँ कहाँ से, इंडिया से, यूपी से, बिहार से देख रहे हैं। अभी भाई मेरे दो भाई जद्दा से आए हुए, कल आए थे मेरे ऑफिस पे रुके। हाँ जी, देख लो जद्दा से, अरब में जद्दा। अभी जो गाड़ी से उतरे दो भाई, वो जद्दा से ही आए, सऊदी से आए हैं। ठीक है, और अपना डायरेक्ट एयरपोर्ट पाए, एयरपोर्ट पे मैंने गाड़ी भेज दी, वहीं से लेकर आए, कल शाम पहुंचे मेरे पास 5 बजे। 5 बजे आने के बाद मैंने उनको कहा आप आराम करो, अभी थक गए होंगे, दूर से आए हो, फिर रात आराम करा। अब मैं दिखा रहा हूँ, अब क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है, 12:30 12:30 बजे दिखा रहा हूँ मैं उन्हें, 12:30 बज रहा है अभी। हाँ, एक चीज बताइए, जो लोग हमें बाहर से देख रहे हैं,
और वो अपनी फैमिली को नहीं भेज सकते। ऑनलाइन भी बुक हो रहा है, ऑनलाइन बुक किया था, ऑनलाइन बुक किया था आज देखना है, तीन महीने बाद देख लो, तीन महीने पहले ऑनलाइन बुक किया था जब यहाँ कुछ नहीं था। अब ऑनलाइन ये लोग बुक कर लेंगे, जो आपको पसंद आए प्लॉट वो प्लॉट का स्क्रीन शॉट लेंगे। नहीं, ऐसा होता है जैसे आप ऑनलाइन बुक कर लेते हो, ठीक है, आपने कहीं भी सोचा, यानी रेट बताओ आप किस रेट तक का आपको लेना है, हम आपका उस कॉलोनी में उस रेट तक का बुक कर देंगे, ठीक है जी। फिर जब आप आओगे, जब आप आते हो अपना आके डिसाइड भी करोगे ना कि कौन सा प्लॉट है, क्या लेना, कहाँ लेना, वो हम जब भी चेंज भी कर देंगे, आपका कोई ऐसी बात नहीं, मतलब कि फिक्स नहीं है जो, मतलब आपने पर्ची काटी कर देंगे, हमारी तरफ से फिक्स रहेगा। हाँ। पर फिर भी खुदा ना खास्ते आपको नहीं पसंद आता है वो। हाँ। आप कहते हो भाई यहाँ नहीं, दूसरी कॉलोनी में दे दो या और दिखा दो। हाँ। तो वो भी आपके साथ कह जाएगा, यानी कोऑपरेट करने का नाम ही न्यू आलम प्रॉपर्टी, न्यू आलम प्रॉपर्टी है। हाँ। अभी हम मान लीजिए किसी भाई को ऐसा घर बनवाना है। हाँ जी। अब वो यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो पीछे में आप बनवा दीजिएगा। हाँ, बनवा देंगे, ये मैं ही तो बनवा रहा हूँ, देखो दो मंजिल बन रहा है ये वाला मकान, ये वाला मकान, ये 100 गज का बनाया है ये वाला, लेंटर गिरा है ये भी मैं बनवा रहा हूँ पीछे से, वो बनवा रहा हूँ और वो गुलाबी वाला बनवा, यानी पीछे से काफी लोग बनवा रहे हैं, सारे के सारे सब, मतलब कस्टमर नहीं है यहाँ पे, बहुत से कस्टमर नहीं होते भाई, मैं मेरे मिस्त्री लोग होते जो मुझसे प्लॉट ले रखे हैं। हाँ। जो कॉलोनी में रह रहे हैं वो खुद। हाँ। बनाते, एक ठेकेदार ये भी जो जा रहा, अजय, अच्छा अजय, एक ठेकेदार ये भी है, ये खुद बना, मैं जब तू मकान बनाता है कस्टमरों के, मैं कितनी बार आता हूँ तेरे पास, तो मैं ही बनवाता हूँ, कस्टमर कितने आते है, तो कस्टमर बहुत आते हैं जो बनवाते हैं वो। हाँ जी, बनवाने वाले भी बहुत आते हैं। हाँ, हाँ। बनवाते भी है, जैसा आप चाहो ऐसा, जैसा आप खुश ऐसा, हम कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो ये घर अभी 155 गज में है, अभी हमारे इस जगह का रेट बताइए आप। यहाँ का तो 18,000 चल रहा है, 18,000 चल रहा है, पहले कम था, 18 हो चुका, मुझे आपने 12,000 रुपए दिया था, सामने कॉलोनी। हाँ ले लो वो वाली 10 का 11 का 12। हाँ ना, ये देखो ये नीली, ये टंकी जो रखी हुई है, अर्सिटी नाम है ना इसका, नई काटी है कॉलोनी ये, R-City 1 और R-City 2, और वो गोल्ड सिटी सी ब्लॉक का जो पीछे बस चुका पूरा। हाँ, ये वाला ना देखो। हाँ, मैं पहले, इससे पहले मैं आया था, जो महीने पहले कुछ नहीं थे, जो आपने कहा था यही ले लो यही ले लो। हाँ, यहाँ पे जो है उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, कोई घर नहीं था, कम से कम यहाँ 3,000-4,000 मकान आराम से भर रहा भर रहा। एक बात बताइए, यहाँ पे न्यू आलम प्रॉपर्टी लोगों का जुड़ने का मोटिव क्या है, मतलब आ क्यों रहे हैं? यूं आ रहे भाई, इसलिए भीड़ रहती है, सबको कोऑपरेट करता हूँ, टाइम भी आपके सुविधा अनुसार देता हूँ, जिसको जितनी जरूरत है, कोई भाई हमारे 2 साल की जरूरत है 2 साल का टाइम देता हूँ, 2.5 साल की टाइम जरूरत है 2.5 साल का टाइम दे देता हूँ, 3 साल की जरूरत है 3 साल का दे देता हूँ। और मेन बात यह है, ना आप पे ब्याज लगता, ना पेनल्टी लगती, ना कुछ लगता, जो रेट होगा वही देना है, वही देना। दूसरी बात ये, आप जो लेते हो प्लॉट, ठीक है, कहीं यहाँ भरोसे वाली बात नहीं होती, लोग खाली, बहुत से कॉलोनी में ले लेते हो, खाली पड़ रहता है। हाँ, खाली पड़। यहाँ आपका 6 महीने में ही चेंज मिलेगा आपको, ये पूरी आबादी हो चुकी है और हमारी सुविधा के अनुसार बसावट होती रहती है। अब ये जो बोल रहे हैं ना, ये एकदम राइट बोल रहा है, क्योंकि मेरे सामने सारी कॉलोनी की बसावट हुई है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखिए भाईजान, मैं हर दिन आता था यहाँ पर बनवा के देखता था ना क्या क्या चीज बना नहीं बना है। सही बात है। मेरे घर में जो भी सामान लगा है, जो मैंने भाईजान को कहा, देखो सारा काम भाजन ने ही करवा के दिया है, मैंने अपने हिसाब से डिजाइन सामान, मुझे ये दीजिए मुझे वो दीजिए, ऐसे करके इन्होंने दिया है। जल्दी जल्दी में घर बना, इसीलिए गार्डर पत्थर का बना है। वो तो आपकी मर्जी है, लेंटर के बनने, लेंटर लेंटर का बन, लेंटर ही बन जाता है, इसलिए जल्दी बना। ये भाई पंजाब से यहाँ पे आ गए थे, किराए पे रह रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गए तो ये आ रहे हैं भाई जल्दी जल्दी, तो मैंने भी जल्दी जल्दी करवा के गाटर पट्टिया, देखो लेंटर का कराओगे तो उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं, गाटर पट्टिया का बनवाओगे तो ये मानो 2 से 3 महीने कंप्लीट हो जाता है, कितने बड़ा मकान। हाँ, कितने बड़ा, लेंटर वाले में टाइम लग जाता है। हाँ, तो मोबाइल नंबर देखो, भाईजान का मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उस पर कॉल करके सारे डिटेल ले लो, सारे लड़के व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह सब कुछ करते हैं, सारे डिटेल दे देंगे, लोकेशन बता देंगे। ये एरिया आपको बता दूं, नेशनल हाईवे जो देहरादून एक्सप्रेसवे, उससे देहरादून एक्सप्रेसवे के टच में ही, टच में ही है, मात्र ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी के टच में है। हाँ। दिल्ली से 0 किलोमीटर पड़ता है, सभापुर दिल्ली 94 लगता है, यहाँ पे हमारे ऑफिस से 0.5 किलोमीटर पड़ता है, मेट्रो हाईवे, मेट्रो हाईवे रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर है, और रेलवे स्टेशन वो सामने काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं उसके पीछे, साथ ही सारा कुछ साथ ही आसपास में, लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन, लाइट पानी, हाँ जी लाइट पानी, स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद आपको सब चीज कॉलोनी में मिलेगी। सबसे अच्छी फैसिलिटी मैं बोलूंगा, कोई भी लोग अगर बाहर देश से सोच रहे कि काम के मोटिव से हम यहाँ पर ले ले, काम वाम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने ये लोकेशन चूज किया, और ट्रस्ट बोलूंगा 100% ट्रस्टेड न्यू आलम प्रॉपर्टी भाई। वो देखो वो रोड है सामने, वो जा रहे बैटरी रिक्शा, वो बैटरी रिक्शा जा रहे, वो देखो सामने बैटरी रिक्शा, देखो मेरा तो घर भाईजान ने सपना पूरा कर दिया, जो कि भाईजान इम्पॉसिबल था। बड़े भाई आपको भी करवाना है सपना पूरा, तो आप आके मिलो हमसे, आपका भी होगा, बस दुआ है, थोड़ी दुआ करना अपने भाई के लिए,
सब काम होगा, सब ऊपर वाला करवाता है जी। दुआ ये कि आप बुकिंग करो, आपके साथ साथ किसी और की भी बुकिंग कराओ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिस भाई को जरूरत है अपना वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। और भी बहुत सारी वीडियोस कॉलोनी देखनी, नई नई कॉलोनी तो न्यू आलम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है भाईजान, शुक्रिया बताने के लिए, बहुत लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और चलो चलते हैं अब नीचे, भाईजान दिखा लेंगे उनको जाना है। सबसे अच्छी बात मेरे को पता क्या लगती है भाईजान की, देखो प्रॉपर्टी डीलर एक डीलर होता है, यहाँ पे अपना सामान भाईजान खुद दिखाने के लिए आते हैं। हाँ, खुद देखो सब खुद काम करा जाता है, ज्यादा मैं चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा खुद काम करूँ सारा, देखो अपना काम। हाँ, खुद अपने हाथों से करोगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनका भाई का ऑनलाइन बुक किया था मैंने, उनको प्लॉट में दिखाया था। अच्छा, पीछे से मैं आपका फोटो नहीं लूंगा, पीछे से बोल सकते हैं आपने ऑनलाइन बुक किया था? ऑनलाइन बुक करा था, जिद्दा से करा था। अच्छा, जिद्दा से किया था आपने? जी हाँ, जिद्दा से बुक किया था। तो अभी मैं प्लॉट दिखा रहा हूँ। चलिए ठीक है, जाइए दिखाइए। इनसे बोल भी दिया था मैंने, जैसे आप चाहो ऐसे कर लेंगे, आपको ये पसंद आता ठीक है ना, तो और भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आलम भाई ने क्या बताया, पूरा आपको समझा दिया होगा सही से। सो, इस घर का बजट जो लगा है ना, एक एक चीज का सामान का उतना कन्फर्म नहीं है, क्योंकि खर्चा मैंने भी बहुत सारा कर दिया है, खर्चा बहुत सारा हो गया है। इसका बजट अभी हम आपको कुछ महीने बाद बताएंगे, क्योंकि अभी इस घर में बहुत सारे काम बाकी है ना यार, काम बाकी नहीं है, काम बाकी बता रहा हूँ मैं। कैसे, अभी पार्किंग में काम बाकी है, हमारा जो फर्श का काम है ये भी अभी बाकी है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया पूरा। और ये 155 गज का है, ठीक है, 155 गज का आप अंदाजा लगा लो जमीन का कितना हो सकता है। और इस तरीके का 11x11 का रूम है, 12x12 का रूम है, दो इस घर में पूरे तीन बाथरूम है, सब में जो शीट वीट लगी है सारे के सारे अच्छे क्वालिटी के लगे हैं, स्विच विच भी सब अच्छे क्वालिटी के लगे हैं। तो एक आप मुझे अपना खुद का टारगेट बता सकते हैं आप कि कितना लग चुका होगा। और ये लेंटर का नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी बना, जैसे कि आलम भाई ने कहा। और आलम भाई बहुत ही हम्बल पर्सन है यार, एक बात बोलूं, इनके ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं कहीं नहीं देखा। आलम भाई मतलब एक आलम, देखो तो दुनिया को, आलम का मतलब होता दुनिया, ठीक है, वर्ल्ड इंग्लिश में। बट मैंने जब से मैं इनसे मिला ऐसा कनेक्टेड हो गया, और आज तक इम्पॉसिबल काम को इन्होंने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया है, और बिलीव नहीं करोगे किस्तों में, जी हाँ। सो डिटेल्स कमेंट के अंदर हो सकता है देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर होगा, उस नंबर पर जाके कॉल करके पूरी बात डिटेल पूछो, ऑनलाइन बुक कर लो, जब मर्जी हो तब आओ आकर के, अपना जो चेंज करना हो चेंज कर लेना। सो चलो इस वीडियो को शेयर कर देना, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना बढ़िया से फटाफट। और आप सबका दिल से शुक्रिया, कितना सारा प्यार दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो। अल्लाह हाफिज़।